महादिश्यतोन्वयादितरितः चार्थेष्वभेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम् धीमहि। कल की कथा में हमने श्रवण किया था भागवत जी की महिमा कितनी अनंत है। हमने श्रवण किया था कि भागवत जी की महिमा से कैसे धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसा महापापी जब तर सकता है, तो हमने जो धुंधकारी से कमी पाप किए जीवन में, तो हमारा तो उद्धार निश्चित है यदि हम मन तन धन तीनों से अपने मन को भी भागवत जी में लगाएंगे, फिर उसके बाद चिंतन करेंगे भागवत जी का, और भागवत जी में जो अच्छी बातें बताई गई हैं इसे अपने जीवन में उतारेंगे, तब भागवत जी कल्याणकारी होंगी। तो अब श्री भागवत जी के यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी तक हमने भागवत जी की महिमा का श्रवण किया कल तक, और आज की कथा में हम भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी में द्वादश स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। तो हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। तो श्री व्यास जी महाराज जब भागवत जी में प्रवेश करते हैं तो भगवान का मंगलाचरण करते हैं सत्यम परम धीमहि करके। अब यहाँ पे संतों ने भाव दिया कि सत्यम परम धीमहि क्यों कहा, और कुछ भी तो कह सकते थे। जैसे भगवान कृष्ण का मुख्य ग्रंथ है, कृष्ण परम धीमहि कह सकते थे, या राम जी का नाम ले सकते थे रामम परम धीमहि, या देवीम परम धीमहि, कुछ भी कह सकते थे। सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? तो यहाँ पे सत्य कह के व्यास जी महाराज ने एक बात बताई है कि तो जो भागवत जी हैं ये ऐसा नहीं कि बस कृष्ण भक्तों का ग्रंथ है, ये श्री भागवत जी सत्यम का कहने का अर्थ है। जैसे कोई देवी के उपासक हो, उनसे पूछो कि आपकी देवी सत्य है या असत्य है, तो बोलेंगे हमारी देवी जी तो परम सत्य हैं। गणेश जी के उपासक हों, उनसे पूछिए गणेश जी सत्य या असत्य, बोलेंगे हमारे स्वामी तो परम सत्य हैं। राम जी के भक्त भी कहेंगे हमारे राम जी परम सत्य हैं। तो भगवान के जितने भी रूप हैं परम सत्य हैं, क्योंकि भगवान सत्स्वरूप हैं। तो श्री व्यास जी ने यहाँ पे सत्यम परम धीमहि कह के सभी के भावों की पुष्टि की है कि जितने भी लोग, जैसे कोई देवी मैया को मानता हो तो उनको भी प्रणाम है, जो गणेश जी को मानता हो तो उनके जो इष्ट गणेश जी हैं वो भी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम है। तो सत्यम परम धीमहि कह के व्यास जी ने ये बताया है कि जो ग्रंथ है ये भागवत जी जो हैं ये सभी संप्रदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए है, इसका श्रवण सभी कर सकते हैं। तो उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं और क्या कहते हैं, जन्मादिश्यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जो जन्म पालन और संहार करने वाले हैं, ब्रह्मा जी के रूप में इसकी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी के रूप में पालन और शिव जी के रूप में संहार कर देते हैं, ऐसा है भगवान का स्वरूप जन्मादिश्य। और अन्वय व्यतिरेक के भाव से इस संसार में है भी और इस संसार में नहीं भी है। अब ये क्या हो गया, आप कहोगे व्यास जी ये क्या कह रहे हो कि है भी और नहीं भी है। तो अब जैसे आप में से किसी ने कमल का फूल देखा होगा, तो कमल का फूल होता है वो जल में सरोवर में रहता भी है, और परंतु सरोवर में रहते हुए भी उस सरोवर में लिप्त नहीं रहता, सरोवर के भीतर नहीं रहता है, सरोवर में रहते हुए भी सरोवर से परे रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे हैं। आपको मैं छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ जिससे आपको अन्वय व्यतिरेक का भाव अच्छे समझ में आएगा। एक सेठ जी थे, उनके तीन संतानें थी, दो पुत्र और एक पुत्री। तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर उन्होंने अपने जायदाद में लिख दिया, सबसे कह दिया कि भैया देखो मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का तीन भाग करना और मेरी तीनों संतानों में बांट देना। जो मेरी संपत्ति का आधा भाग होगा वो मेरे बड़े पुत्र को दे देना, जो मेरी संपत्ति का चौथाई भाग होगा वो मेरे छोटे पुत्र को, और जो पांचवा अंश होगा वो मेरी पुत्री को दे देना। सबने कहा ठीक है। अब वो सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी थे इसलिए उनके पास 19 ऊंट थे।
तो सभी संपत्ति, सारी संपत्ति का तो विभाजन हो गया। अब 19 का आधा क्या करेंगे? अब एक ऊंट को काटना पड़ेगा, 19 का आधा करो। सभी बड़े परेशान, जितने पंचों थे सभी जुटे हुए थे, पंचायत लगी हुई थी कि 19 का आधा क्या होगा, बड़े परेशान थे। तो उसी वक्त एक व्यापारी वहां से गुजरा, उसने भीड़ देखा, सोचा यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है। तो वो वहां पे आया, देखा यहाँ तो कोई बात चल रही, पूछा भैया क्या हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये सेठ जी थे, फलाना सेठ जी थे, उनके 19 सूट थे, उन्होंने कहा था इसके 3 विभाजन कर देना, तो 19 का बताओ आधा क्या होगा। उस व्यापारी ने कहा अच्छा, वो सेठ जी वो तो हमारे बहुत पुराने मित्र थे, उन्होंने एक बार मेरी बड़ी सहायता की थी। तो अब मेरे पास एक ऊँट, एक काम करो मेरा एक ऊँट तुम ले लो। अब जब एक ऊँट लिया तो 19 और 1 20 हो गए, तो 20 का आधा कितना हुआ 10, 20 का आधा हुआ 10, और 20 का चौथाई भाग कितना हुआ, 20 का चौथाई भाग हुआ 5। तो 10 बड़े बेटे को दे दिया, चौथाई भाग 5 छोटे बेटे को, और जो अंश, पांचवा अंश था, तो 20 का पांचवा अंश कितना होगा 4, तो 4 पुत्री को दे दिया। और उस व्यापारी का जो एक ऊँट था वो बच गया, उसने अपना ऊँट लिया और लेकर चला गया। तो इसका कहने का भाव क्या है, वो जो एक ऊँट था उसके बिना कोई काम भी नहीं हुआ, और वो एक ऊँट उनमें मिलकर भी उनमें नहीं रहा। इसी प्रकार परमात्मा होते, ईश्वर होते हैं, वो यदि ना रहे तो संसार का कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो चित्त स्वरूप है, चेतना रूप सब में विराजमान है। यदि वो ना रहे तो मेरे मुख से वाणी नहीं निकलेगी, हमारे शरीर किसी कार्य का नहीं रहेगा। और यदि वो परमात्मा संसार में ना रहे तो कोई जीव क्रियाशील नहीं रह पाएगा, तो उनके बिना कोई काम भी नहीं होता। तो इसलिए वो संसार में लिप्त भी होते हैं और इससे परे भी रहते हैं। तो अन्वय व्यतिरेक का ये भाव है। और कैसे स्वराट जन्माद्यशितोन व्याधि तरथ चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, जो स्वयं प्रकाशवान है, स्वेनैव राटति इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशवान है, ऐसे है परमात्मा, ऐसे है ईश्वर जो स्वयं प्रकाशवान है। स्वेनैव राटति इति स्वराट जन्माद्यशितोन व्याधि तरथ चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन्होंने अपने हृदय के संकल्प मात्र से आदि कवि श्री ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया था, और जिनकी माया ऐसी है कि मुह्यन्ति यत्सूरयः, जो बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने सब पे विजय प्राप्त कर ली, परंतु उनकी माया से कोई नहीं बच पाता, उनकी माया से वो सबको मोहित कर लेते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा, तेज वारि मृदा, तेज जैसे सूर्य की रश्मियां होती हैं। तो आप कभी कहीं सफर कर रहे हो तो आप देखोगे कि दूर सड़क पे सूर्य की रश्मियों से कुछ ऐसा हमें भ्रम दिखता है कि सूर्य की जहाँ पे स्थल है वहाँ पे जल का भ्रम हो जाता और जल में स्थल का भ्रम हो जाता। तो यद्यपि वहाँ पे जल नहीं है परंतु हमें जल दिख रहा है, और वहाँ पे स्थल नहीं है फिर भी हमें स्थल दिख रहा है। तो ये जल और स्थल का भ्रम होता है, ये सूर्य की रश्मियों के कारण होता है। तो इसी प्रकार से संसार यद्यपि है मिथ्या, यद्यपि है असत्य, परंतु भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उस माया के प्रभाव से कोई नहीं बच पाता, और वो असत्य को भी सत्य प्रतीत कराती है। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मया धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। वो परमात्मा जो स्वयं प्रकाशवान है, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब श्री व्यास जी महाराज भागवत जी की महिमा को बताते हैं कि भागवत जी में है क्या। कहते हैं धर्मः प्रोञ्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये जो श्रीमद् भागवत है ये परम धर्म का इसमें निरूपण हुआ है। और कैसे परम धर्म का निरूपण हुआ है, जो निर्मत्सरता पूर्वक, जो निर्मात्सर्य परम धर्म है,
मात्सरी दोष से रहित जो परम धर्म है उसका निरूपण हुआ है। तो मात्सरी दोष से रहित परम धर्म का अर्थ क्या है? मात्सरी दोष, जैसे कि आजकल युग में लोगों के अंदर मात्सर भाव ऐसा हो जाता है कि मात्सर भाव क्या होता है, जैसे कि शर्मा जी ने एक नई सुजुकी स्विफ्ट डिजायर निकलवाई, फिर वर्मा जी ने फरारी खरीद के दूसरे दिन लेते आई, तो उन्हें स्विफ्ट डिजायर का सुख नहीं रहेगा, इस बात की जलन हो गई कि वर्मा जी ने फरारी खरीद ली, तो मात्सर्य भाव प्रकट हो गया, इसलिए जो डिजायर में स्विफ्ट डिजायर में उन्हें सुख आ रहा था अब वो सुख नहीं आ रहा। तो मात्सर्य दोष रहित श्रीमद् भागवत ग्रंथ है और इसमें परम धर्म का निरूपण हुआ है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास द्वारा यह रचित श्रीमद् भागवत महाशास्त्र, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वरः, इसका इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय लेने के बाद अन्य किसी ग्रंथ का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता? क्यों इस ग्रंथ की ऐसी क्या महिमा है, इसके श्रवण से क्या होता है? कहते सद्यो हृदय वरु धितेत्र कृत भी, सद्यो सद्य ही तुरंत ही, जैसे ही हमारे हृदय में इच्छा, सद्यो हृदय वरु धितेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, जिस क्षण, ये नहीं कहा गया कि जिस क्षण हम कथा श्रवण करते हैं, जिस क्षण हमारे हृदय में ये संकल्प होता है, ये इच्छा उत्पन्न होती है कि चलो भागवत जी की कथा सुनाते हैं, तो उसी क्षण शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, उसी क्षण हमारे हृदय में सद्यो हृदय वरु धितेत्र कृत भी, भगवान हृदय में आकर के बंद हो जाते हैं, हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस क्षण हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भागवत जी की कथा सुनेंगे, और जब कथा सुन लेते हैं, तो कथा सुनने के बाद यदि कथा सुन ले तब तक तो भगवान रहते हैं। अब आप प्रश्न करोगे कि महाराज जी जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो हम लोग जब कथा सुन के जाते हैं तो फिर क्यों संसार में मन लग जाता है? इसका मुख्य कारण है कि आप कथा तो सुनते हो, परंतु कथा सुनने के बाद, कथा का तीन विधान है, श्रवण चिंतन मनन। कथा सुनते तो श्रवण तो आप करते हो, परंतु उसके बाद चिंतन नहीं करते हो, फिर मनन नहीं करते हो। क्योंकि देखिए, जब आप कथा सुनते हो तो भक्ति महारानी आपके हृदय में आती तो है, परंतु अब जैसे आप किसी के घर पे जाओ और आप घर पे जाओ, वो आपको आसन ना दे, आप खड़े रहो, वो बैठा रहे और आप खड़े रहो, थोड़ी देर बाद आप वहाँ से उठ के चले जाओगे। तो इसी प्रकार से भक्ति महारानी जब आती हैं तो भक्ति महारानी का आसन क्या है? विनय। भक्ति महारानी का आसन है सहजता। जिस जीव के अंदर सहजता नहीं रहता, भक्ति महारानी उसके हृदय से उठ के चली जाती हैं। तो कथा सुनने से हमें क्या पता चलता है कि जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो जब इतने सहज थे तो हमारी क्या सामर्थ्यता है, उनके सामने हम क्या हैं? हमें सहज होना चाहिए, और जब हमारे भीतर सहजता आ जाती है, कथा के माध्यम से भक्ति महारानी आ जाती, उन्हें आसन मिल जाता, तो भक्ति महारानी के आने से संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते, सभी विकार नष्ट हो जाते और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भागवत जी की ऐसी महिमा है। और क्या कहते हैं आगे श्लोक में, कहते हैं श्री वेद व्यास जी, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम ऋषमालय मुहुरहो ऋषिका भूवि भावुका। निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम ऋषमालय मुहुरहो ऋषिका भूवि भावुका। निगम कल्प तरु, जो निगम यानी वेद, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहा है कि ये जो फल है ये एकदम पका हुआ फल है, इसमें कुछ भी त्याज्य अंश नहीं है, इसका छिलका भी हम खा सकते हैं, इसका रस भी हम खा सकते हैं, इसकी गुठली भी हम खा सकते हैं, तो ऐसा ये फल है। निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, कहते हैं कि जिस फल में तोता मुँह लगा दे, तो या तो जो फल बहुत मीठा हो तो उसमें तोता मुँह लगाता है, या तोते के मुँह लगने से वो फल मीठा हो जाता है, तो सुखदेव जी रूपी तोते के मुँह लगने से वो फल बहुत ही मीठा हो गया है। और पिबत भागवतम रश्मालयम मुहुरहो ऋषिका भूवि भावुका, पिबत भागवतम रश्मालयम, इसका निरंतर पान करना चाहिए, और ये भागवत रस का आलय है, इसमें बस रस ही रस भरा हुआ है, कुछ भी त्याज्य अंश नहीं है।
तो व्यास जी कहते हैं, हे भावुकों, हे रसिकों, मुँह रहो रसिका भवि भावुका, इसका बार बार पान करते रहो, बार बार पान करते रहो। और कब तक करते रहो? जब तक ये शरीर है इसका पान करते रहो। तो इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की भगवान की दिव्य मंगलाचरण किया है। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषे निमिषक क्षेत्र ऋषि शौनकादय। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उनके मध्य श्री सूत जी महाराज का पादार्पण हुआ। श्री सूत जी महाराज वहां पधारे और जब सूत जी महाराज पधारे शौनक जी ने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद उनसे प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि भगवान को कहा गया भगवान अजन्मा है, तो भगवान अजन्मा होकर के जन्म क्यों लेते हैं? और मान लीजिए जन्म लेते हैं तो भगवान के मुख्य रूप से कितने जन्म हुए, कितने अवतार लेते हैं भगवान, और भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? और हे प्रभु, आप ये बताइए कि भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, और जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? और जब इस प्रकार से ऋषियों ने प्रश्न किए तो श्री सूत जी महाराज अब इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं और सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का मंगलाचरण करते हैं। यश्वानुभावम खिल श्रुतिशारमेकम अध्यात्म दीप मति तीर्षताम तमोंधम संसारिणाम पुरा संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। जिन्होंने संसार के जीवों के ऊपर करुणा करके इस अध्यात्म दीप को जलाया है, उन श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नर नारायण ऋषि को प्रणाम है, व्यास जी को प्रणाम है, देवी सरस्वती को प्रणाम है और सभी देवताओं को मेरा बारंबार प्रणाम है। अब श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, ऋषियों आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। देखिए ऋषियों, जो आपके अंदर तत्व जानने की, तत्व को जानने की जिज्ञासा है, तो ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों हैं तो एक ही, परंतु ये तीन रूपों में हैं। वदन्ति तत्त्व विदस्त तत्त्वम् तत्त्वति यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। ब्रह्म जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो भगवान का ज्योति रूप में ध्यान करते हैं, उनके लिए भगवान ब्रह्म है। जो योगी जन हैं उनके लिए भगवान परमात्मा है, और जो भक्त जन हैं, जो भगवान जो कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको प्राप्त कर सकें, अब आप ही कृपा करके हमें अपनी भक्ति प्रदान करिए, तो उनके लिए, भक्तों के लिए वो भगवान बन जाते हैं। जैसे कोई बालक होता है, तो एक बालक होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, अब माता छत पे चली गई तो बालक के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि माता से मिले, तो बालक बड़ा है तो वो स्वतः ही सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चला जाएगा, माता से मिल लेगा। परंतु छोटा बालक है, वो तो माता से मिल नहीं सकता, वो सीढ़ी पे चल नहीं सकता, क्योंकि जो चलने तो आता नहीं, सीढ़ी पे क्या चढ़ेगा वो, तो वो क्या करता है, रोता है जोर जोर से। तो ऐसे जो भक्त होता है, उसके हृदय में जब इच्छा उत्पन्न होती है कि भगवान से मिलूं, तो वो रुदन करता है, और जब ठाकुर जी देखते हैं कि ये रुदन कर रहा है तो उन्हें करुणा आ जाती है और भगवान के रूप में पृथ्वी पर उतर आते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और भगवान के रूप में जब आते हैं तो सबके लिए सहज हो जाते हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के तीन स्वरूप हैं। अब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथा ऐसी है कि जिसका श्रवण करने से
हृदय की सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, सभी संशयों का नाश हो जाता है और भगवान की परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सूजी महाराज ने इन प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आगे श्री सूजी महाराज भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, क्योंकि सौनक जी ने प्रश्न किया था कि भगवान के मुख्य रूप से कितने अवतार हैं। तो सूजी बताते हैं कि भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है भगवान का शंकादिक, दूसरा अवतार भगवान ने पहला अवतार लिया शंकादिकों के रूप में, दूसरा लिया वराह भगवान के रूप में, तीसरा अवतार लिया है भगवान ने नारद जी के रूप में, चौथा अवतार लिया है भगवान ने कपिल मुनि के रूप में, पांचवा अवतार लिया है भगवान ने श्री पृथ्वी जी के रूप में, छठा अवतार लिया भगवान ने श्री वेदव्यास जी के रूप में, सातवां अवतार भगवान ने लिया है धन्वंतरी जी के रूप में, आठवां अवतार कच्छप के रूप में, नवां अवतार मोहिनी के रूप में, दसवां अवतार अजिता अवतार, एकादशवां अवतार परशुराम अवतार, बारहवां अवतार भगवान ने लिया है, भगवान ने बारहवां अवतार लिया वामन अवतार, तेरहवां अवतार भगवान ने लिया है श्री ऋषभ देव जी के रूप में, चौदहवें अवतार में भगवान मत्स्य रूप में आए हैं, पंद्रहवें अवतार में भगवान ऋषिंग रूप में आए हैं, सोलहवें में परशुराम जी के रूप में आए हैं, सत्रहवें में राम जी के रूप में आए हैं, अठारहवें अवतार में भगवान दाऊ जी के रूप में आए, बलराम जी के रूप में आए, उन्नीसवें में कृष्ण भगवान के रूप में आए, बीसवें अवतार में भगवान बुद्ध अवतार में आए, इक्कीसवें में कल्कि अवतार में आए, आएंगे अब कलयुग का जब चौथा चरण आएगा तो कल्कि अवतार में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। शेष भगवान के दो अवतार और हैं, हयग्रीव और हंसावतार। इस प्रकार से भगवान के अवतार हैं। अब ऋषि ने जो प्रश्न किया था कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, तो शिव जी इनका समाधान करते हुए कहते हैं एते चांस गला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहते हैं ये जितने भी अवतार हैं ये तो कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, परंतु जो राम और कृष्ण अवतार है ये परम परिपूर्णा अवतार है, परिपूर्णा भगवान का अवतार है। और भगवान का जो मुख्य अवतार क्यों लेते हैं, तो शिव जी बताते भगवान अवतार लेते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अब यहाँ पे सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का समाधान किया है। अब आगे श्री सुखदेव जी की कथा का वर्णन करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बार सुखदेव जी का हम जयकारा लगा लेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय।